परेशान रहती हूँ जो धूल मिट्टी आती है, तो मेरे को प्रॉब्लम आती है कि जो धूल मिट्टी है उससे ज्यादा वॉमिटिंग भी शुरू हो जाती है और सांस की भी प्रॉब्लम आती है। एक दो दिन से आसमान में फैली धूल से आम जनता काफी परेशान हो रही है। हवा में धूल के कणों के कारण सांस लेना दूभर होता जा रहा है, जिसके कारण लोगों को अपने घरों से निकलने से पहले अपने चेहरे को ढकना पड़ता है। इस धूल से लोगों को आंखों में जलन, चमड़ी में खारिश और अन्य कई परेशानियां हो रही हैं। अधिकांश लोग मुंह को ढककर काम पर निकलने को मजबूर हैं। डॉक्टरों का कहना है कि जिन लोगों को दिल, डीएमए, आंखों या स्किन की बीमारी है, वो घर से बाहर ना निकले। ये जो गर्मियों के दिनों में इसमें हर साल ऐसे ही होता है, ह्यूमिड कंडीशंस है जिसमें बाहर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, और ऐसे में बंदे को, जो पेशेंट्स हैं, जो भी पब्लिक है, उनको पानी ज़्यादा पीना चाहिए, ORS लेना चाहिए, नमक वाली सी कमी ज़्यादा पीनी चाहिए, और बहुत ज़रूरी हो तब जाना चाहिए, और ज़्यादा देर तक एक समय पर खुले में बैठकर काम ना करें, जिससे डिहाइड्रेशन का खतरा होता है। ऐसे केसेस में जो डिहाइड्रेशन में है उनके लिए जो रीनल स्टोन है, गुर्दे के दर्द जो है, वो अक्सर उठ जाते हैं क्योंकि शरीर में पानी की कमी हो जाती है। उसके बाद क्या होता है कि आपको कफ हो सकती है एलर्जी की वजह से, सिम्टम्स स्किन की एलर्जी, ईचिंग होती है, और फंगल इन्फेक्शन साइडों में हो जाते हैं। इन चीज़ों से बचना चाहिए, और जब भी घर जाएं तो खुले में रहें, शॉर्ट्स पहने। एलर्जिक पेशेंट्स जो है उनको सांस की प्रॉब्लम की ज़्यादा दिक्कत होती है, हार्ट पेशेंट्स भी होता है इसमें, तो उन लोगों को भी अवॉइड करना चाहिए, डायरेक्टली ना जाएं, खुले मौसम में जाएं, साफ में रहें, ठंडे में रहें। ये और जो तेज हवा में स्कूटर चलाते हैं उन लोगों को यूज़ कर लेना चाहिए कि इनफिल्ट्रेशन ना हो मिट्टी की। धूल के कारण ज्यादा परेशानी दो पहिया वाहन चालकों को हो रही है। धूल के कण नाक के रास्ते शरीर में पहुंचकर कई गंभीर बीमारियों का कारण बन सकते हैं। जी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही है लोगों को जी, इस वक्त सांस लेने में दिक्कत हो रही है। हम लोग सुबह सैर करने जाते हैं जी, सैर करते वक्त हमारे को सांस लेने में बड़ी प्रॉब्लम होती है जी। पार्क में जाकर जो पहले मज़ा आता था सैर करने का, अब पार्क तक में बहुत बहुत मतलब सांस ही नहीं लिया जाता, ये एक्सरसाइज नहीं हो पाती। जो लोग हार्ट के प्रॉब्लम्स हैं, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम्स हैं, उन लोगों के लिए तो बहुत दिक्कत है जी सांस लेने की। वही धूल का सबसे ज़्यादा प्रभाव बच्चों और बुजुर्गों पर पड़ रहा है। बुजुर्गों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, वहीं बच्चों को स्किन से रिलेटेड बीमारी हो सकती है, क्योंकि बच्चों की स्किन काफी नाजुक होती है। जरूरी है माता पिता अपने बच्चों को घर से बाहर ना निकलने दें। वहीं नौजवान लोगों को भी धूल के कारण काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इस धूल भरे मौसम से दुकानदार भी काफी परेशान है, वे लोग अपनी दुकानें बंद करके बैठने को मजबूर है इस मौसम के चलते। खराब है, बहुत तबीयत खराब हो रही है, गर्मी बहुत ज्यादा, धूल बहुत, जस्ट गला खांसी बहुत प्रॉब्लम हो रही है, बाजार में आया नहीं जाता। नेटफ्लिक्स के लिए माला से राजकुमार शर्मा की रिपोर्ट।